और शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, बिलासपुर में मेट्रोमोनियल साइट की आड़ में ठगी करने का मामला सामने आया और इस दौरान पुलिस ने 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। इनमें सरगना और 3 लड़कियां भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55,000 रुपए, सिम कार्ड और 13 मोबाइल और लैपटॉप दस्तावेज समेत कई एटीएम कार्ड भी जब्त किए। इसको लेकर 32 साल के बुजुर्ग ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी ने लिव इन में रहने का झांसा देकर उनसे 1,00,000 रुपए ठगे थे। वही पुलिस ने बताया है कि गिरोह के सदस्य सुंदर महिलाओं की फोटो दिखाकर लोगों को शादी का ऑफर दिया करता था। ऑफर में जो फंस जाता उसे निजी समस्या या फिर किसी एक्सीडेंट की बात कहकर रुपए ऐंठ लेते थे और ऐसे में पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान फोन और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। क्षेत्र में एक प्रार्थी, बुजुर्ग प्रार्थी जो है 72 वर्षीय मिर्जा असीम बेग के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाया गया था कि उनको मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा जो है वो ठगी किया गया है। इसमें उन्होंने अखबार से विज्ञापन देखा कि रिवाज मैरिज ब्यूरो के माध्यम से उनको एक मिला कि एक महिला है और उससे वो शादी कर सकते हैं, या उनसे बात कर उनको ये बातचीत पर ये पता चला कि वो लिव इन में भी रहने को तैयार हैं। और इसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनसे महिला से बातचीत के दौरान अलग अलग बहाने करके, बीमारी का या अन्य समस्याओं का बहाना करके अलग अलग समय पे उनसे किस्तों में जो है 1,20,000 कुछ रुपए जो है उनसे जमा करवा लिया गया था। और इसमें सिविल लाइन पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए उस मैरिज ब्यूरो के संचालक मनीष उर्फ मालिक राम और अजय, साथ में 3 महिला आरोपी, कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनको आज जो है जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिन जुड़ चुके हैं। मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी करने का ये पूरा मामला सामने आया, आखिर क्या? देखिए, मैरिज ब्यूरो के नाम से लड़कियों को, जो खूबसूरत लड़कियों को, उनके नाम से ठगी का काफी खेल खेला जा रहा था बिलासपुर में, जिसमें प्रति रिटायर कर्मचारी इनका शिकार हो पति का झांसा देकर एक दूसरी लड़की बात कराया जाता है और जब लड़की अपने गिरोह के साथ अपने नाम पर पैसा लेती है, लेकिन लड़की से जब बुजुर्ग की मुलाकात नहीं होती तो ठगी होता है, जिसकी मामले की शिकायत वो सिविल पुलिस में दर्ज करवाता है। उसके बाद पुलिस जब पूरे मामले की जांच करती है तो इस मैरिज ब्यूरो के नाम से जो रैकेट चल रहा है उसका खुलासा होता है। उसमें पता चलता है कि खूबसूरत लड़कियों के नाम से लोगों की शादी नहीं करवाते थे और मैरिज ब्यूरो से कई लोगों को उन्होंने चूना लगा लिया। इसने जो संचार मैरिज ब्यूरो 3 महिलाओं सहित 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पुलिस पूछताछ में नेटवर्क कहां कहां से जुड़ा हुआ, क्योंकि अभी जो सामने बात आ रही है इनके जो मैरिज ब्यूरो के नेटवर्क है वो कहीं से भी जुड़े हैं और उन्होंने कई लोगों के साथ ठगी का काम किया है, तो फिलहाल पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है। जी दिलीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस दौरान 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। लगातार अब आरोपियों से पूछताछ जारी है।